की भारतीय महागठबंधन ने रविंद्रालय में सम्मेलन किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में छोटे राजनीतिक दल के नेता शामिल हुए। एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक की राजनीतिक एकजुटता को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बीजेपी के साथ सपा बसपा के खिलाफ भी हल्ला बोला गया। सम्मेलन में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान भी किया गया। भैया बीच में ना, एक मिनट। जिनके विचारों को हम लोग सुनेंगे और आगे की दिशा में वो रोशनी खिलेगी। मित्रों कहा भी गया है वक्त है फिसल। आईजीए के तहत तकरीबन उत्तर प्रदेश के तकरीबन 42 छोटे छोटे दल हैं जिन्होंने ये इरादा और अहद किया है कि उत्तर प्रदेश की बेईमानियों के खिलाफ, तासुब और नफरतों के खिलाफ और अपने प्रदेश में भाईचारे का माहौल बनाने के लिए 70 से ज़्यादा, हमारा असल मकसद जो है हिंदू मुस्लिम और छोटे और बड़े के दरमियान जो खाई बना दी गई है, इस खाई को पाटना हमारा असल मकसद है। और इसके लिए बेहद ये ज़रूरी है कि मौजूदा सरकार को हटाया जाए और ऐसी कोई सरकार ना आने दी जाए जो प्रदेश में दंगे फसाद का माहौल बनाती है या जिसकी वजह से दंगे फसाद होते हैं। जो ईमानदारी का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, हमारी कोशिश ये है कि हमारा ये गठबंधन इतना बड़ा और इतना ताकतवर हो। हम इंशाल्लाह पूरे उत्तर प्रदेश में कारवा निकालने जा रहे हैं, रथ यात्रा निकलेगी और हर जिले में, हर शहर में हमारी ये यात्रा पहुंचेगी और हम अपना ये पैगाम आप लोगों के जरिए भी और जनता में बरह रास्त जाकर भी हम अपना ये पैगाम पहुंचाएंगे।